दोस्तों आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज हम आ चुके हैं मैनपुरी के कृष्ण फील्ड में। तो यहाँ पे लगा है मेला। जी हाँ दोस्तों, मेला मैनपुरी महोत्सव। तो अभी फ़िलहाल 2 या 3 दिन हुए हैं मेला लगे हुए, तो आप लोग देखने के लिए आ सकते हो। और यहाँ पे देखिए हम लोग चल रहे हैं मेला देखने के लिए। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा। यहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है उसका टिकट 20 रुपये है, तो आपको टिकट लेना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे दयाशंकर भाई के पास एक लड़की या बेटी आप बोल सकते हो, छोटी सी बच्ची है, तो बोल रही है भाई गुब्बारा ले लो। तो दयाशंकर भाई का दिल बहुत बड़ा है तो उन्होंने गुब्बारा ले लिया। और यहाँ पे देखिए हमने टिकट ले ली अपनी, लेकिन ये क्या गेट प्रवेश शुल्क 25 रुपये और बोर्ड पे लिखा है 20 रुपये। भाई क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हमने कर दी है एंट्री और आप लोग देख पा रहे होंगे कि अंदर का नज़ारा कैसा है। बस ये नकली बुर्ज खलीफा है, असली वाला नहीं है, असली वाला दुबई में है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम एक दिन ज़रूर घूमने के लिए जाएंगे। तो आपको अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। तो जो लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग इस ब्लॉग को देख लीजिएगा, अगर आप अपना 20 रुपये बचाना चाहते हो तो। और नहीं तो आप 20 रुपये अपना दे आइए आकर और अंदर से देख लीजिए आकर, क्योंकि देखिए अपने आँखों से देखा चीज़ वो अलग ही बात होती है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा अंदर का नज़ारा है, हर माल मिल जाएगा आपको 5 रुपये का और जो भी आइटम है। और यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं, वो झूले रात को चलेंगे तो आप रात में आइए। मैंने ये ब्लॉग शाम को बनाया है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अमेरिकन भुट्टा, भैया ये जो भुट्टा है हमारे गाँव में होता है और यहाँ पर नाम दे दिया क्या अमेरिकन भुट्टा। तो ये क्या करते हैं, ये शायद हमारे हिसाब से बालू में वे भुट्टा भूजते हैं। और यहाँ पे देखिए कपड़े भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से खरीद सकते हो, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है तो इसलिए सर्दी के भी कपड़े आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे बच्चों के भी लिए कपड़े मिल जाएंगे। जैसे भी आपको चाहिए आप लोग यहाँ पे खरीद सकते हो आकर। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा है चारों तरफ का, मैंने आपको दिखा दिया। अभी फ़िलहाल ये लग रहा है, ये जो छोटा बच्चा है ध्यानशंकर भाई से रुपये मांग रहा था, बोल रहा था भाई बिस्कुट खिला दो, ठीक है। तो ध्यानशंकर भाई ने क्या बोला कि आप ऐसा करो 1 से लेके 100 तक गिनती सुना दो या 2 का पहाड़ा सुना दो। वो बोला कि मुझे नहीं आता। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ कपड़े कपड़े आपको मिलेंगे, नज़र आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब देखने ही आए हैं, खरीद नहीं रहा कोई, बहुत सारे लोग खरीद भी रहे हैं। बस हम तो अपने घूमने के लिए आए तो हमने सोचा इसको क्यों ना घूमा जाए। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ का ऐसा नज़ारा मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए अभिषेक, और फिर हम घर पे चलने के लिए तैयार हो गए, फिर हम लोग चले आए घर पर। तो आई होप गाइस हमारा ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।